पेप्टाइड लिंकेज में जो ये नाइट्रोजन के लोन पे रहें ये यहाँ पे पाई पाइपोंड की फॉर्मेशन करेंगे तो ये वाले पाई बोड ऑक्सीजन पे जाएंगे तो हमारे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स मिल रहा है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या मिला हमारे पास डबल बोंड एन एच पॉजिटिव इसमें क्या है कि पार्शियल डबल बोन्ड करेक्टर आ रहा है पार्शियल डबल बोंड करेक्टर आ रहा है जिसकी वजह से क्या होगी बोन लेंथ शॉर्टर हो जाएगी डबल बोन करेक्टर आने की वजह से बोन लेंथ शॉर्टर हो जाएगी ये क्या बोल रहा है कि बोन लेंथ लॉन्गर होती है जबकि हमारे पास तो बोन लेंथ शॉर्टर होती है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई और ये क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है तो ऑप्शन वन क्या हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया हमारे पास दिया गया स्पेट्रोस्कोपिक एनालिसिस से हमें प्लेनर स्ट्रक्चर पता लगता है कि इसका पेप्टाइड लिंकेज का तो चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो है द स्टडी ऑफ इंट्रेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये मू फ्रीक्वेंसी होगी लेमडा वेव लेंथ को डिनोट करते हैं, तो किस में यूज होती है स्पेक्ट्रोस्कोप यूज होती है हमारे पास फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री इसके अंदर क्या होता है कि हमें क्या पता लगता है टू डिटरमाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन और क्वांटिफाई क्वांटिफाई द मोलिकुलर स्ट्रक्चर मोलिकुलर स्ट्रक्चर मतलब हमें स्पेक्टर्स को भी हमें क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं फिर उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम आता है उसको स्टडी करने के बाद हमें पता लगता है कि उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है और कंपोजिशन क्या है और क्या है कंपोजिशन क्या है उसका सैंपल की कंपोजिशन पता लगती है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसको रीड करते हैं तो उससे पता लगता है कि इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है उससे भी क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होती है इस वजह से क्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्लेनर होता है जो कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी पता लग रहा है तो मतलब ये क्या है ये स्टेटमेंट भी राइट है ये स्टेटमेंट भी राइट है तो ओनली क्या है फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन थैंक यू फ्रेंड्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर